खुश आमदेद मेरी तरफ से मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को प्यार भरा सलाम और बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ। बहुत ज़्यादा मुबारक हों आप सबको। आपके ये लम्हात बहुत ही खुशियों के साथ गुजरें और इन खुशी के मौक़ों पे मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन खुशी के लम्हात में ये वीडियो देखिएगा और इन खूब इंजॉय कीजिएगा। ये हम बिल्कुल सिंपल सी एक रेसिपी लेके आए हैं, इसको देखिए और इंजॉय कीजिए और अपनी खुशियों में हमें भी याद रखिए, दुआओं में याद रखिए। इस वक्त हमने बहुत सारा मटन ले लिया है, इसको स्टोव के ऊपर चढ़ा लिया है और थोड़े थोड़े फासले पे रखा है। इसके ऊपर सिर्फ हमने नमक स्प्रिंकल किया है और कोई चीज़ इसके ऊपर हमने और नहीं ऐड की है। नमक हमने ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और कोई चीज़ इसके अंदर कोई मिर्च मसाले वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसको अब हमने रख देना है अंगारों के ऊपर, दहकते हुए अंगारे हैं और उनके ऊपर रखेंगे और इनको अच्छी तरह से थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इनको घुमाते जाएंगे और ताकि ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से सारी बूटियाँ जो हैं ये रेड हो जाएं। तो इस तरह से बना हुआ गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसको हम सर्व करेंगे चावलों के साथ, राइस के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत सारे गेस्ट हैं इस वक्त और इसको एंजॉय करेंगे सब मिलजुल के ईद की खुशियों में, अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को, सबको याद रखना चाहिए। और इनके साथ भी खुशियाँ होती हैं, बिल्कुल अकेले में कोई खुशी नहीं होती, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता है और जब गैदरिंग होती है तो फिर ही ईद का असल मज़ा निकल के आता है। तो अब ये हमारा जो मटन था ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए। सिर्फ नींबू हमने इसके साथ रखे हैं और इसके साथ राइस बनाए हैं। तो देखिए हम इसको किस तरह से सर्व कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी लुक आई है, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। और जब सब मिलजुल के खाएंगे, बातें करेंगे, मज़े करेंगे, इंजॉय करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको खाने का और यादगार रह जाएगी ये ईद। तो ईद की खुशियों में आप सबको ये रेसिपी अल्लाह करे बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और आपकी भी बहुत अच्छी बने। और आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।